बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं असर और मैडम निगत खान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने हमें समर स्कूल में आने की दावत दी और अमन और इसकी ज़रूरत पर बात करने का मौका दिया। अमन का मतलब है दो कौमों और मुल्कों के दरमियान सुलह और शांति हो। अब अमन की बात और संभालनी है हमको, अमन के लिए जाने कुर्बान करनी है हमको। हमारे शहर मुल्तान में भी अमन की सूरत हाल अच्छी नहीं है। वहाँ अक्सर मामूली बातों में दो मज़हबों के दरमियान लड़ाई हो जाती है जो कभी कभी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। ये सब कुछ हमने अपनी आंखों के सामने देखा है और इन हालात को देखने के बाद हमारा दिल चाहता है कि अमन के लिए कोशिशों में अपना किरदार अदा करें। अमन की रोशनी फैलाएंगे हम, तारीकी के अंधेरे मिटाएंगे हम। पूरे मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी के वाकयात से खौफ और हरास फैला हुआ है। दहशतगर्दी के चंद वाकयात मुल्तान में भी हुए हैं जिनमें कई लोग मारे गए हैं और इन हालात से औरतें और बच्चे भी मुतासर होते हैं। ऐसे हालात में हम स्कूलों और कॉलेजों में जाने से डरते हैं। हमें अपने इन बहन भाइयों का ख्याल आता है जो ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ दहशतगर्दी के वाकयात रोज़ होते हैं। वो बच्चे किस तरह स्कूल जाते हैं और पढ़ते हैं, क्यों बच्चे यतीम हो जाते हैं, अजीज धमाकों की वजह से मर जाते हैं या सारी उम्र के लिए मजबूर हो जाते हैं। इनके जहनों पर दहशतगर्दी के किस कदर बुरे असरात मुरतब होते हैं। हम अपने इलाकों में अमन चाहते हैं और चाहते हैं कि अमन की कोशिशों में बच्चों की आवाज़ को भी शामिल किया जाए। हम चाहते हैं कि मुल्तान में अमन कायम हो ताकि हम सुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकें। हम आए हैं इस दुनिया में अमन के लिए लोगों और बनाएंगे इस दुनिया को उस अमन लोगों।